ये क्या ड्रामे कर रहा है तू? तू इंसान नहीं है तू? इच्छा था नागू। अबे तू इंसान नहीं है तू? नहीं, सांप है तू? हाँ सांप हूँ मैं। नहीं तू, अगर तू नाग है तो अपने असली रूप में आके दिखाइयो। असली रूप में मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि तू ड्रामेबाज है। एक बार मैं आ चुका था, मनुष्यों ने मुझे पत्थर मार मार के मुझे मार दिया और मेरी नागिन भाग गई। अब ये वापिस आई है, अब मैं असली रूप में नहीं आ सकता। इस जंगल में रहता तू? जंगल में रहते हैं अभी हमें। मैं तो सांप का तो बिल होता है। अभी हमें अनुमति नहीं है बिल में रहने की। बताई होगी जो तेरे को ये बात। तूने बोला था तुम एक जंगल से दोनों नाग नागिन निकल रहे थे, मनुष्य ने पत्थर मारा और ये मेरी नागिन भाग गई। किसने मारा पत्थर? मनुष्य, जो ये लोग घूमते हैं जो मार्केट के अंदर। तो तू मनुष्य नहीं है, तू इंसान नहीं है? मैं इच्छा दारू इस जंगल का राजा हूँ। इस जंगल का राजा मेरी नागिन है। मैं पागल वागल है क्या? मैं पागल नहीं हूँ। मैं क्या कर रहा, पागल है क्या? इच्छा था नाग हूँ। अबे क्या तू इंसान है? इच्छाधारी नाग कहाँ से हो गया? इंसान नहीं हूँ, ये मेरी नागिन है, हमारा पुनर्जन्म हुआ है। अरे मैं नागिन हूँ इनकी। अरे मैडम कैसी बातें कर रहे हो आप? भी इसकी भैगी भैगी। बोल दिया मैं नागिन हूँ। अबे कोई नशा ऐसा कर रखा है क्या तूने? मैंने नहीं किया मैं। अबे पागल है क्या? आराम से खड़ा होकर बात करना है क्या? जू जू कर रहा है क्या? है कब से लगने लग गया तेरे को? कोई नशा वसा करता है क्या तू? मैं एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, मुझे तब से पता है। मेरे गुरुजी बहुत साल पुराने, उन्होंने बताया तू नाग है। कैसे पता चला? क्या बताया उन्होंने तेरे को? मैं बोला तू इच्छा था नाग है। क्या क्या बोला उसने? तेरे गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला तू इच्छा था, ये तेरी नागिन है। कैसे? मैं इनकी नागिन हूँ। अरे क्यों बेटा ऐसी बेकार की बातें क्यों कर रही है तू? ये क्यों उससे बहन का पूर्ण जन्म हुआ है? इन्होंने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं इनकी नागिन हूँ। क्या एहसास हो? क्या इसको क्या पट्टी पढ़ा दी तूने? क्या लड़की को? दोनों मार्केट घूमते थे। कैसे पता चला तुझे तू नाग है? बताइयो भाई। मेरे गुरुजी ने बताया है मैं नाग हूँ। अबे क्या बताया है ये तो बता। तूने बताया तेरा जो शरीर है वो नाग का शरीर है। कैसे बता दिया? किसकी भैगी भैगी बातों में आने लग गया तू? अबे मैं पागल है क्या? आराम से खड़ो के बात। अबे आराम। अबे भाई मेरी नागिन है। अबे यार एक ही नागिन हूँ। कैसे नागिन हो गई? इनकी कैसे? तेरे को लगा क्या हो गया तेरे को? एक बार तेरे में दो हाथ समझ में नहीं तेरे को? प्यार से बता। अबे क्यों मारोगे मेरे को आप? अबे भाई क्या है तेरा ड्रामा? ये बता कहाँ रहता है? मारने की बात कर रहे हो? अरे तो क्या हो गया आपको? क्यों गुस्सा हो रही हो तुम? मेरी बात सुनो। गुस्सा होगी वो मेरी नागिन है। अबे अपनी उम्र देख और इसकी उम्र देख, कैसे नाग नागिन हो गए तुम? हमारा पुण्य जन्म हुआ है। क्या हुआ? पुण्य जन्म हुआ है। क्या कह रहा है ये? बिछड़ गई थी मैं पिछले जन्म में। कैसे बिछड़ गई थी? क्या पिछले जन्म का क्या ड्रामा है भाई? ये मुझे मार दिया था। किसने मार दिया था? क्या हुआ था? मनुष्य ने मारा था मेरे को। मनुष्य ने मारा था? अबे कैसी भैगी भैगी बातें कर रहा हो? भैगी बात निकल। अबे वो आराम से खड़ा होकर बात करना, मेरा ढसेगा क्या? ढस जाऊंगा मैं। ओ भाई रुक जा, क्या मेरे को बता तू? क्या शुरू से बता। किसने तेरे को, तेरे उस्ताद ने, तेरे गुरु ने क्या बोला तेरे को? मेरे गुरु ने बोला तेरा शरीर पूरा इच्छा था नाग है। कैसे लगा? क्या बोला उसने? कुछ बात भी तो बताई होगी। नहीं बताया, ये मेरी नागिन है। अबे तो कुछ बातें तो बताई होगी जो तेरे को ये बात। तूने बोला था तुम एक जंगल से दोनों नाग नागिन निकल रहे थे, मनुष्य ने पत्थर मारा और ये मेरी नागिन भाग गई। किसने मारा पत्थर? मनुष्य, जो ये लोग घूमते हैं जो मार्केट के अंदर। तो तू मनुष्य नहीं है, तू इंसान नहीं है? मैं इच्छा दारू। अबे पागल है बे, ड्रामे। ये बेकार की मेरी नागिन है, हमारा पुण्य जन्म हुआ है। मतलब तुझे बोला कितने साल पहले की बात है ये? काफी साल पहले की बात है। अच्छा तेरी नागिन ये? मैं भाग गई इनको छोड़ के। क्यों आप क्यों छोड़ के भाग गई इनको? क्योंकि मनुष्य मुझ पे भी मार देते, मुझे इनको भी मार देते, ये भाग गई थी। अब कहाँ से आपको लगा कि आप इसकी नागिन हो? अब मुझे अपने प्यार का एहसास हो गया है। तो बेटा ये बेकार की बातें क्यों कर रही हो? मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, ये मेरी नागिन है। ओ ड्रामे रुक जा। अब क्या करेगा तू इसको? क्या कर आगे? तूने क्या सोचा फिर? नहीं तू, अगर तू नाग है तो अपने असली रूप में आके दिखाइयो। असली रूप में मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि तू ड्रामेबाज है। एक बार मैं आ चुका था, मनुष्यों ने मुझे पत्थर मार मार के मुझे मार दिया और मेरी नागिन भाग गई। अब ये वापिस आई है, अब मैं असली रूप में नहीं आ सकता। तो तुझे कैसे पता चला कि ये नागिन है? मेरे गुरु ने बोला है। अबे तो इसी लड़की के अंदर तेरे को अपनी नागिन दिखी? हाँ यही लड़की है मेरी नागिन। कैसे पता चला? क्या बोला इसने तुम्हारे को? क्या झूठा बहकाया इसने? बताया कि मैंने कुछ नहीं बहकाया इसको। अबे रहने दे, क्यों इसको ऐसा कह रहे हो? अबे ये तेरे गाल को, आराम से रुक जा। क्यों आराम से खड़ो के बात कर ले? तेरे गाल पे क्या निशान है? ये मेरा वही निशान है, लोगों ने पत्थर मारा है मेरे को। ये दिखाइयो जरा कौन से? ये देखो, ये पत्थर का निशान है? पत्थर का निशान है ये। तो मतलब तू इच्छाधारी नाग है? मैं इच्छाधारी नाग हूँ। देख लो भाई, ये इच्छाधारी नाग बता रहा है अपने आपको, और ये छोटी लड़की, इससे उम्र में छोटी, क्या कह रहे हो आप? मैं मेरी नागिन है। तो आगे आप कहाँ रहते हो भाई तू? अभी हम जंगल में रहते हैं। इसी जंगल में? इसी जंगल में।
इस जंगल में रहता तू? जंगल में रहते हैं अभी हमें तो सांप का तो बिल होता है। अबे हमें अनुमति नहीं है बिल में रहने की, तो वो मिल जाएगी। अबे तू भाग गया, अबे तेरा दिमाग जाएगी, अबे तेरा दिमाग चल गया और तू इस लड़की को भी बहकावे में फुसला रहा है। आपको खुद आप पढ़ी लिखी लग रही हो। मैं इनकी नागिन हूँ। आपको इन चीजों में विश्वास करती हो आप? हाँ मैं करती हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हारे को अपने माँ बाप को? पागल है क्या बात करने से? है? मुझे आप इससे क्या कह रहे हो? ये मेरी नागिन है। अबे पागल वागल हो गया क्या? अपनी उम्र देख और भिंगड़े इसकी उम्र देख। अबे आराम से रुक जाओ, सुर सुर करा दूंगा घट्टी, समझ गया? ये क्या ड्रामे कर रहा है तू? तू इंसान नहीं है तू? अच्छा था नागू। अबे तू इंसान नहीं है तू? नहीं, सांप है तू? हाँ सांप हूँ मैं। बैठ जा आराम से और तू इसको भी। मैं सांप हूँ, मुझे मेरे नाग मिले हैं, इनके साथ में शादी करके यहीं रहूंगी जंगल में। अरे ओ, ओ, ओ बेटा जंगल में रहेंगे, जंगल का राजा। तूने इसको कौन सी जड़ी बूटी पिला दी जो तेरे गुणकारी है? जड़ी बूटी नहीं पिलाई, मेरी नागिन है। अबे ये तू बेकाबू वाली बातें करके तूने कोई इस पे कुछ खिला पिला? अबे ओए रुक जा, कुछ खिला पिला दिया क्या इसने तुम्हारे को जो तुम ऐसी बैठी? आप इनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? नागिन है। क्यों तुम बेकार की ड्रामे वाली बात? जन्म हुआ है मेरी नागिन है। अब आप इसको गलत मत बोलो। अब मेरी बात सुनो, आराम से रुक, तेरे को बताऊं अभी। ओ रुक जा, सुन मेरी बात सुन। ये छुर छुर कर सारी करा दूंगा। अभी रुक बेटा, 100 नंबर पे फोन कर रहा हूँ। नहीं, 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 पुलिस को नहीं बुलाना। बस सुन, वो तेरे को नहीं बेटा, तेरे जैसे बंदों को ठीक करने के लिए ना, तेरे जैसे बंदों को ठीक करने के लिए उनके पास एक आन मिलो सजना लठ होता है। वो तेरे अभी रुक जा, अभी फोन कर रहा हूँ। फोन करना भाई, जरा एक मिनट, 100 नंबर पे फोन कराता हूँ। क्यों क्या मैं, तू एक बार बता, तू ये ऐसी भैगी भैगी बातें करके ये छोटे छोटे बच्चों को तू भिला फुसला के क्या करने की कोशिश करता है उनके साथ? पुलिस को मिला, गलती होगी सर, गलती होगी भैया। क्या गलती होगी? क्या आप क्या हो गया तेरे? नहीं भाई मिलाओ तो नहीं, फोन तो मिलाओ। क्यों गलती होगी भैया? नहीं ये कैसी है ड्रामे वाली बातें करके तू ये छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियों को बहका के उनसे तू गलत काम कराने की कोशिश करता है? अबे माफ कर दो, माफ कर दो। क्या माफ कर दो? क्या माफ कर दो? अब तेरे तो रंग ही चेंज हो गए, देख रहे हो? अब ये क्या कह रहा तू? मैं तेरा नागिन हूँ, नाग हूँ मैं। नहीं फिर बोल रहा है नाग है तू? नहीं नहीं भाई ना, ओ इधर देख, गलती इधर देख, तू नाग है तू? गलती होगी। अभी रुक जा भाई, कर दिया पुलिस वालों को, फोन मत कर, गलती होगी। अबे मेरी बात सुन, अभी तेरे को ना बेटा, अभी वो सीधा करेंगे पुलिस वाले, समझ गया? अबे वो प्यार व्यार ना पकड़, सुन मेरी बात सुन, गलती होगी। ये तू इस लड़की, अब तुम सुन रहे हो ये क्या भैगी भैगी क्या बातें कर रहा था? ये बातें कर रहा, तुम बताओ इसको तुम मेरे नाग को? गलती होगी। अरे आप तो अपना भूत उतार लेंगे नाग का, कोई नाग वाग नहीं है ये, समझ गई? तेरे को इसने झूठा फुसला फुसलू के कुछ गलत गलत बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, है पुलिस को नहीं बुलाना। ओए गलती हो, ये पुनर्जन्म का कौन सा ड्रामा लेके आया तू? अबे गलती होगी, मानता है ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है, नहीं है ना तू? ना तो ये बच्चों को क्यों झूठ झूठ बोल बोल के तू फुसला रहा है? गलती होगी, गलती होगी। नहीं ये आप जैसे बच्चों को फुसला फुसला के ना, ये गलती, ये जा अपनी उम्र तो देख ले, ढींगड़े और उसकी उम्र देख कितना बड़ा है तू उससे। है बे शर्म आनी चाहिए तेरे को। गलती होगी, निकल यहाँ से। गलती हो गई, सांप हो जी मैं, देख तो लो। तुम्हें भी आजकल पढ़ी लिखी लड़की होकर तुम ऐसी अंधविश्वासों में विश्वास करती हो? मैं उसकी बातों में आ गई थी, उसने मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि मैं उसकी नागिन हूँ, पिछले जन्म में हम लोग मिले थे। अपना ऐसे किसी की बातों में मत आया करो ऐसे, ये लोग ना, अब तुम्हें पता है ना कितना कितना गलत हो रहा है लड़कियों के साथ, फिर भी तुम ऐसे आदमियों की, ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। अरे पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अपने लिए आवाज उठाना सीखो। अगर कोई ऐसा, अगर कोई बोलता है तो अपने माँ बापों को बताओ, ठीक है ना? दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर कोई तुम्हारे को अगर भला फुला के कोई गलत बात बताकर अगर आपको किसी गलत राह पे चलाना चाह रहा है, तो सबसे पहले अपने घर वालों से या किसी बड़े से बात करो कि अगर ऐसे ऐसे तुम्हारे कोई टोक रहा है, बोल रहा है, समझ गए? ये ऐसे आगे से ध्यान रखना, ऐसे किसी किसी लोगों की बातों में बताना, और ये कोई पुनर्जन्म वनम कुछ नहीं होता, समझ गए? शुक्रिया आपका। अब अपने घर पे फोन करो और अपने भाई भाई को बुलाओ, अपने घर से किसी को बुलाओ, मैं बात करूंगा। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ अभी।